उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली ब्लॉक मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत गोरैया के समीप जोहिला नदी के ऊपर बीते वर्ष आरंभ किया गया करोड़ों रुपए की लागत का पुल निर्माण करीब एक साल से ज्यादा बीते जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। इस बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण बीते वर्ष आरंभ किया गया था, जहां ठेकेदार ने कछुए की गति से कार्य आरंभ किया और कुछ ही महीनों में कार्य बंद कर गायब हो गया। मध्य प्रदेश शासन ने आमजन की सहूलियत को लेकर यहां पुल निर्माण कर लाभ देने का प्रयास किया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की गफलतबाजी में अधर में लटका हुआ है। गौरतलब है कि इस पुलिया से रोजाना जबलपुर, डिंडोरी, नौरोजाबाद, मंडला सहित 500 गांव के ग्रामीण व्यापारी जन और छात्र आवागमन करते हैं, जिनका आवागमन बरसात में बंद हो जाता है। पुल निर्माण को लेकर व्यापारी संघ अध्यक्ष विमल अग्रवाल, समाजसेवी जितेंद्र जगवानी ने जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराने की अपेक्षा की है। इस संबंध में बीजेपी जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने जल्द पुल निर्माण कार्य पूरा कराने की बात कही है कि इस रफ्तार से आवागमन का रास्ता बहुत है, ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि जबलपुर ढिंडोरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे काफी बाजार जो आते हैं पाली बाजार में आते हैं लोग या यहाँ पाली से कहीं और जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हीला हवाली की जा रही है और लेट लतीफ़ी की जा रही है, जिसको लेकर हमारे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को और संभागीय जो संबंधित विभाग है उसको भी हम अवगत कराएंगे और निश्चित ही मैं आपके माध्यम से कलेक्टर महोदय से बात करूंगा कि इस प्रकार के जितने भी हमारे ज़िले में अवरुद्ध विकास के कार्य पड़े हैं, जिनके टेंडर हो गए हैं, ठेकेदार बना रहे हैं, लेकिन वह एक काम को छोड़कर दूसरे काम, तीसरे काम, चौथे काम को फंसा के रखे हैं और कोई भी एक काम कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उसको लेकर PIU, PWD हो या ब्रिज कारपोरेशन हो या जल निगम हो, जल बोर्ड हो, जो एजेंसियां हैं इनके माथत काम करने वाली सारी एजेंसियों पर मैं माननीय कलेक्टर महोदय से बातचीत करके इनको इन पे नज़र रखी जाए, एक टीम बनाई जाए जिससे जो कार्य पहले आरंभ किया गया है उसको संपूर्णता के तहत पूर्ण किया जाए। उस रफ्तार पुल में पिछले साल निर्माण कार्य चालू हुआ, हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि चलिए ये निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। हम सडोल संभाग के लोगों को जबलपुर, डिंडौरी, सहपुरा जाने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता मिल गया था, लेकिन किसी कारण बस क्या मालूम वो निर्माण कार्य बंद हो गया। अब निर्माण कार्य क्यों बंद हो गया ये नहीं मालूम। अब उस निर्माण कार्य बंद हो जाने से हम जहाँ तक ये मानते हैं कि हम वहाँ के जो छात्राएँ हैं, छात्राएँ जो पढ़ने आते हैं यहाँ स्कूल कॉलेज में, वो प्रभावित हो रही हैं।